क्वेश्चन नंबर 12, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 तथा A2 निम्नानुसार हैं, उस पर से योग घटना और प्रतिच्छेद घटना ज्ञात करनी है, उसका समुच्चय। ठीक है, तो A1 बराबर, तो A1 में हमको देखो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ क्या दिया है इन्फॉर्मेशन, यू कैन सी हियर एक्स एंड देन 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5, फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज। आफ्टर देन A2 इज ऑल्सो गिवन, A2 में क्या लिखा हुआ है x, एंड देन लिखा -1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, और लिखा x पूर्णांक संख्या है, इज इट ओके। ओके चलो A1, अब A1 के अंदर कौन कौन से घटक होंगे, तो देखो लिखा है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 5, तो देखो जब भी लेस देन का साइन हो ना, तो इसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव, यानी 0 को और 5 को दोनों को ही नहीं लेना है, 0 को और 5 को दोनों को ही नहीं लेना है, बाकी इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब आएंगी। तो 0 के बाद कौन आता है, 1, 2, 3, 5 से पहले तक, यानी 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 से पहले कौन आता है 4, तो हमारे इसके घटक हो गए कितने, 1, 2, 3, 4। कैसे हुआ ऐसा, तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 के छोड़कर, यानी कि 0 के आगे अगर लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन तुमको ये बताता है कि इसको आगे वाले को लेना नहीं है, ये इससे छोटा है इसके लिए, तो उसको नहीं लेना है, पर 1, 2, 3 और 5 से छोटा तक, यानी कि 4 है, 5 को नहीं लेना है। आगे A2 में लिखा, देखो -1 के बाद की सभी संख्या लेनी है, लेकिन वो 3 से पहले तक की होनी चाहिए, तो कौन कौन सी संख्या होंगी, एक मिनट, आगे ठीक है, देखो -1 के बाद में क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि -0 से एक साइड खिसकेंगे तो -1 आता है संख्या रेखा पर, फिर 1 और उसके बाद 2, और लेस देन का साइन है तो ये भी नहीं आएगा और ये भी आएगा नहीं। अब हमको क्या निकालना है, इसका प्रतिच्छेद घटना निकालनी है, तो प्रतिच्छेद घटना का मतलब होता है दोनों के अंदर जो कॉमन हो वो, तो कॉमन क्या है दोनों के अंदर, देखो 1, 2, ओके, तो ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दोनों के अंदर जो घटना एक साथ घटती है उसको प्रतिच्छेद घटना बोलते हैं। अब योग घटना, योग घटना मतलब यूनियन, यानी यू इसके अंदर जितने भी घटक है वो सब आ जाते हैं, तो कौन कौन से आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, बहुत ईजी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, हमको A1 घटना दी हुई है और बाजू में A2 दी हुई है। ठीक है, तो A1 में अंदर क्या लिखा हुआ है, वी कैन सी एक्स, देन लिखा 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6, और नेचुरल नंबर है x, लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर्स x, फिर लिखा हुआ 3 इज लेस देन x लेस देन 9। ओके नाउ A1 में क्या क्या आएगा, देखो 3, 4, 5, लेकिन यहाँ पे लेस देन के साथ में क्या इक्वल का साइन भी है, यानी इंक्लूसिव, यानी कि 2 को भी इंक्लूड करना होता है, जब ये लेस देन के ये साइन के नीचे इस तरह का एक और लगा होता है साइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो संख्या उसके अंदर इंक्लूड करनी है, तो 2, 3, 4, 5, पीछे की साइड में साइन नहीं है, तो हमने देखो 6 को नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर था तो इसको इंक्लूड करना है और यहाँ एक्सक्लूड है, इज इट ओके। पीछे A2 इसमें क्या क्या आएगा, 4, 5, 6, 7, 8 दोनों ही नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों के पीछे आगे पीछे का एक्स्ट्रा साइन है, लेस देन का ओनली, इक्वल टू नहीं है, तो उनको इंक्लूड करेंगे नहीं। ठीक है, अब इनका हमको क्या निकालना है, प्रतिच्छेद घटना और यूनियन। ठीक है, तो A1 यूनियन A2, अब उनको पहले निकालना है यूनियन, तो यूनियन कैसे निकलेगा वो मेरे को थोड़ा देखना है। देखो स्टार्टिंग में यहाँ से दोनों जगह देख लेते हैं, सबसे छोटी संख्या यहीं से स्टार्ट हो रही है 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक्चुअली 4 और 5 यहाँ भी था और यहाँ भी था, लेकिन हमने लिखा कितनी बार, ओनली सिंगल टाइम ही लिखते हैं, कोई भी रिपीटेशन अंदर होना चाहिए नहीं। ठीक है, अब निकालना क्या है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन, यस
इंटरसेक्शन का मतलब कि जो दोनों के अंदर एक जैसा हो वो, बोलो दोनों के। अभी है यहाँ पे ऐसे कॉमन निकालना तो वैसे ही निकालना है। सेम वही निकालना, कॉमन टाइप में ही होगा। एक चुप चार आएगा और पांच। ओके फोर एंड फाइव यहाँ भी है और फोर एंड फाइव यहाँ भी है। ये दोनों ही दोनों के अंदर कॉमन दिखाई दे रही है, तो कॉमन यानी कि एक दोनों घटना एक साथ घट रही है तो उसको हम यहाँ क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। एकदम सिंपल चीज़ है, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो एक जैसा वो इंटरसेक्शन होता है, और सब मिलाकर जितनी घटना है वो सब मिलाकर यूनियन बनाती है। ठीक है, ये हमारा इसका गण मिल चुका है, समुच्चय मिल चुका है। अब एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 भी है हमारे साथ में, वह हमको लिखा हुआ है। देखो यू क्या लिखा हुआ है, यू यू में लिखा हुआ है एक्स, और एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0, 1, 2, ...10। यस और नो, यानी कि यूनियन हमारे पास है जो सार्वत्रिक गण हैं, सार्वत्रिक गण ले हैं वो 0 से लेकर 10 तक है। साथ में बाजू में हमको लिख के दिया है कि ए बराबर एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू 2, 4, 6 है वहाँ पर। इज इट ओके? सो मेरे को निकालना है ए डैश। ए डैश मतलब क्या होता है, कौन सी घटना होती है जिसको हम डैश से व्यक्त करते हैं? तो ए डैश कैसे निकलेगा, जो हमारा टोटल यू होता है उसमें से हम ए को, ए के अंदर जितने घटक है उनको हटा देंगे, बाकी सबको लिख देंगे। तो बताओ कौन कौन से घटक हमारे पास यहाँ बचेंगे 0 से 10 तक हमारे पास अवेलेबल यू के अंदर, कहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक अवेलेबल है हमारे पास यहाँ। उनमें से ए के अंदर कितने 2, 4, 6 है उनको हटा देंगे, तो उसके सिवा कौन कौन बचा, 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10। खाली मैंने यहाँ पर जो ये तीन घटक थे 2, 4 और 6 इन दोनों के बीच में जो आते हैं उनको हटा दिया है, 2, 4 एंड 6 को, बाकी सारे डिजिट्स को हमको यहाँ लिख देना है। वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, पूरक घटना, एक की पूरक घटना ए डैश।